मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े मैं आठ साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग एक साल में हर टॉपिक का कोर्स बनकर तैयार है अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमिंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुरी में तो दोस्तों बहुत से लोगों ने यहाँ पर डाक विभाग में जो है ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है लेकिन दोस्तों अभी तक उनका जो है रिजल्ट नहीं आया है मतलब आपकी ये जो भर्ती है मेरिट पर होने वाली थी और दोस्तों अभी तक इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक नहीं आया है और इंडिया पोस्ट द्वारा ये भर्ती की गई है उत्तर प्रदेश सर्कल में उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये भर्ती की गई है और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें ये जो भर्ती है अब हर राज्य में धीरे धीरे की जा रही है यहाँ पर अभी जम्मू और कश्मीर में भी ये भर्ती आ चुकी है जम्मू कश्मीर में भर्ती आ चुकी है जो कि लगभग दो से कुछ ज़्यादा पदों पर भर्ती आई है तो वहाँ पर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो भी पर आराम से अप्लाई कर सकता है वहां पर दोस्तों अभी लगभग पच्चीस तारीख तक आवेदन होने वाले हैं पच्चीस तारीख तक वहां पर आवेदन होंगे और दोस्तों इसके बीच आप ऑनलाइन अप्लाई जरूर कर दीजिएगा और यहाँ पर आप ब्रांच देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब कितनी मतलब पोस्ट होती हैं तीन पोस्ट पर भर्ती आती है इनमें से किसी आप एक पर जो है ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ए बी पी एम और बीपीएम और साथ साथ यहाँ पर डाक सेवक बक जो है यहाँ पर तीन पदों पर जो भर्ती आती है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इसकी जो पूरी डिटेल में जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले दोस्तों आपका अपना करेंट पूरी परिवार है इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी यूपी में तो यूपी में दोस्तों ये भर्तियाँ आई थी बयालीस सौ चौसठ और जो जम्मू कश्मीर में आई हैं वो आई हैं दोस्तों दो सौ से ऊपर कुछ भर्तियाँ हैं और सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट लिस्ट है विदाउट एनी रिटर्न एग्ज़ाम मतलब इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो नहीं होगा मेरिट लिस्ट ही केवल इसकी बनेगी और वही प्रोवाइड करा दी जाएगी तो इसके बाद दोस्तों इसकी जो मतलब स्टार्टिंग डेट थी तो तेईस तारीख से यहाँ पर आवेदन होने शुरू हुए थे तेईस आठ से और दोस्तों इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट थी ऑनलाइन की तो वो थी बाईस नौ दो हज़ार इक्कीस उसके बाद तीन दिन और बढ़ाए गए थे तो पच्चीस तारीख तक यहाँ पर आवेदन हुए थे तो पच्चीस तारीख तक यहाँ पर दोस्तों आवेदन आपके हो गए थे और अब ये चल रहा है आपका दसवां महीना तो यहाँ पर दोस्तों मतलब नौ महीने नवें महीने में यहाँ पर ये यह दोस्तों आवेदन लास्ट डेट थी और आठवें महीने में ये जो भर्ती आई थी तो लगभग एक महीने यहाँ पर दोस्तों भर्ती चली एक महीने भर्ती चली तो दोस्तों अब इसके बाद इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो तेज़ी से यहाँ पर तैयार हो रही है तो दोस्तों इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जल्द आने के चांसेज हैं और अभी फिलहाल हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो अक्टूबर में आएगी अक्टूबर में आने के चांसेज नहीं बना है अभी क्योंकि दोस्तों अभी यह जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है जल्द ही पूरी हो पाई है मतलब जो इसका एप्लीकेशन सबमिशन था वो अभी अभी कम्प्लीट हो पाया है तो दोस्तों अब इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जा रही है और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो नवंबर में आने के है और दोस्तों साथ साथ इसके कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं वीडियो मलार तक बने रहेगा देखते रहिएगा और आपको पूरी जानकारी यहां से मिल जाएगी तो दोस्तों चलिए इस के कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं इससे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं इसके एग्जाम के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है तो वो दोस्तों आप साफ देख सकते हैं इंडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश सर्कल विल नॉट कंडक्ट एनी रिटर्न एग्जाम मतलब इसका कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा ये दोस्तों आप सभी लोगों को पहले से पता था लेकिन दोस्तों साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि को इसका कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है इंटरव्यू विदाउट एन इंटरव्यू तो ये जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब तीनों पोस्ट दे दी है प्रोसेस और मेरी लिश्ट, मेरी लिश्ट के दोस्तों आपका ये जो है चैन किया जाएगा आगे दोस्तों अबाउट रिजल्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट्स हु अप्लाइड मतलब जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक इन पोस्ट पर तो इंडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश सर्कल आर नाउ वेटिंग मतलब इंतजार कर रहे हैं फॉर द रिजल्ट परिणाम के लिए कैंडिडेट्स आर सर्चिंग एंड इंक्वायरिंग अबाउट द रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस सोर्स था द रिज़ल्ट इज़ नॉट declared इट मतलब इसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया बट सून इट विल बी रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट इस पर जो है इसका जो मेरिट लिस्ट है वो डाल दी जाएगी वहाँ से आप चेक कर पाएंगे आगे दोस्तों इसका जो चेक कैसे कर पाएंगे तो आप इसकी ऑफिशियल साइट है उस पर विजिट करेंगे इसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट की वहाँ पर एक चलती रहती है सीरीज तो उस सीरीज़ में आप जाएंगे उस सीरीज़ में आपको रिजल्ट या मेरे लिस्ट टैब मिलेगा तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद ये तीनों पोस्ट का रिजल्ट दिखा देगा इसके बाद दोस्तों आपका जो भी वहाँ पर मांगा जाए वो आप फिल करके वहाँ से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर ओबीसी में जिसके बानवे से पचानवे परसेंट बन रहे हैं तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं तो दोस्तों आप अब बहुत से लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इसका इतना हाई फाई क्यों जा रहा है कट ऑफ तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें ये जो इसका कट ऑफ है ये हाई फाई ही जाएगा क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी जॉब भी सही सलामत है और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इसमें जो है कैंडिडेट्स बहुत सारे अप्लाई करेंगे तो दोस्तों हर कैटेगरी से होंगे तो इस तरह से दोस्तों जनरल में पचानवे परसेंट जिसके भी बन रहे हैं तो वो भी यहाँ पर सेफ है उसका आने के चांसेज़ हैं यस सी में बानवे परसेंट और यस टी में अगर यहाँ पर किसी के पचासी से अट्ठासी परसेंट है तो उसके यहाँ पर आने के चांसेज हैं तो दोस्तों जिस तरह से पंचायत सहायक भर्ती में भी आपने देखा होगा कि नब्बे नब्बे परसेंट वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और इसी तरह से दोस्तों इसमें भी चयन इसी आधार पर होगा जिसके इतने नंबर इस तरह से बन रहे हैं तो वो दोस्तों सेफ़ हैं उनका जो है नंबर आने के चांसेस फुलफुल हैं तो दोस्तों दो अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों दो 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 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत